Hi guys, do subscribe to my channel Essentials by Sara and please don't forget to click this notification button. Hi guys, welcome back to my channel. So it's another vlog. आज मैं जाने लगी हूँ एक local market shop पे और मैं वहाँ पे आपको जाके बताऊँगी कि क्या क्या local makeup में अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं जो मैं अपनी videos में use करती हूँ. So yes, stay with me और आप देख सकते हैं Zainab की तबाहियाँ. Zainab, say hi. Hi. इधर कैमरे में से hi. जो है मैं एक लोकल मेकअप शॉप में आ चुकी हूँ. काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ लोकल मेकअप शॉप का हॉल करें. मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ में अपनी इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करती हूँ जिसका रिजल्ट आपके सामने है. दीज प्रोडक्ट आर नन द लेस देन एनी गुड ब्रांड. सो अभी जो है मैं मेकअप शॉप में एंटर हो चुकी हूँ और मैंने इनसे ये लिपस्टिक्स पेंसिल, दीज आर कॉल्ड क्रियोनिक लिपस्टिक्स पेंसिल्स, और ये मैंने निकलवाई हैं विच इज़ फ्रॉम ग्लैमरस फेस. और अगर आप मुझे बताइएगा ग्लैमरस फेस का मैं कम्प्लीट हॉल करूँ या नहीं, तो अभी तो मैंने जो चीज़ें थी वो मैंने निकलवा ली. इसकी लिप पेंसिल्स भी दी बेस्ट है, स्टेइंग पावर बहुत अच्छी है. और आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं एट अ ग्लैंस आपको इनकी शॉप दिखा दूँ कि यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है. ये वाइप्स अवेलेबल हैं, हर तरह की लिपस्टिक्स, ब्लीच पाउडर्स, हर तरीके का, मतलब जेल, आईलाइनर, आपके पास एट अ कंप्लीट चीज़ है इट एट अ वन शॉप. तो ये आप देख सकते हैं, लिक्विड लिपस्टिक्स भी हैं आपके पास, सेमी लिक्विड भी हैं, और हुदा ब्यूटी के ड्यूब्स भी हैं आपके पास. हर तरीके के यहाँ पे इनकी शॉप में आई शेडोज थे, कॉन्टोरिंग किट्स थी, मिरर नेल पॉलिशेस थी, जो आपका हेयर स्टाइलिंग का सामान होता है वो है, और न्यू जितने भी हमारे पास ये शैम्पूज, बॉडी वॉश वगैरह, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होती हैं, और डाइज वगैरह ये सब. और अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा देती हूँ इनकी शॉप का. और इनके पास मेबलिन का भी सामान है, ग्लैमरस फेस का सब है, विटामिन ई की कैप्सूल्स वगैरह और परफ्यूम्स, तमाम चीज़ें इकट्ठा एक जगह पे हैं. और पर्सनली मुझे ज़्यादा पसंद है लोकल मेकअप, क्योंकि लोकल मेकअप बहुत अफोर्डेबल होता है. और लेट सपोज़ आपके पास अगर 2000 रुपीज़ हैं तो उसमें रहते हुए आप काफ़ी सारी चीज़ें ले सकते हैं एक साथ, अदर देन अगर आप किसी और जगह से, महंगी जगह से शॉपिंग कर रहे हो और कोई मेकअप ले रहे हो तो वो बहुत महंगा पड़ जाता है, उसमें से आप एक प्रोडक्ट ले सकते हैं. अच्छा, ये जो मेरे पास है ये बीयूशी का लिक्विड कंसीलर है और कंसीलर स्टिक है, ये बहुत अच्छा है. मैंने इसको लेना है एक्चुअली, इनके पास ये जो था वो मैं लेना भूल गई, लेकिन मुझे एक्चुअली लेना है, मेरे पास स्टिक्स ख़त्म हो रही हैं. अच्छा, ये मेरे पास निक्स की कॉन्टोर स्टिक का ड्यूप है, ये कॉन्टोरिंग में यूज़ होता है, और इसके भी तकरीबन 4 शेड्स हैं, ये मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन ये बीयूशी की कंसीलर स्टिक ज़रूर मुझे लेनी है और मैं लूँगी. अच्छा जी, तो अब हम यहाँ देख लेते हैं कि क्या क्या सामान है. यहाँ पे डर्माकॉस का तमाम सामान मैंने इसी शॉप से लिया था जो मैंने वीडियो बनाई थी, और ये भी आपको दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी कंटूर स्टिक्स हैं, इजीली आपको मिल जाएंगी. इसकी प्राइस जो है वो 350 है और काफ़ी लंबा चलती हैं. और ये जो बीयूशी की, पहले भी मैंने एक हाइलाइटर स्टिक ली थी यहीं से, वो आपने काफ़ी पसंद की थी. और जो ये बीयूशी की कंसीलर और वो जो स्टिक और लिक्विड कंसीलर है, ये भी इसके प्राइस भी 200 to 300 के दरमियान है. बाकी अब हम आ जाते हैं ग्लैमरस फेस का. ये ग्लैमरस फेस का 2-in-1 पैन केक है, मतलब आप इसे एज अ पैन केक गीला करके भी लगा सकते हैं और वैसे भी लगा सकते हैं, सो फेस पाउडर की तरह है. देन दिस इज़ ग्लैमरस फेस न्यू HD फाउंडेशन एंड स्टिक एंड दिस इज़ अमेजिंग. लाइक इसका बहुत अच्छा स्वाश था जब मैंने किया था और ये बिल्कुल लेटेस्ट आई है. एंड दिस वन इज़ लाइक TV पेन स्टिक एंड इट्स इन द शेड ऑरेंज विच एक्चुअली कवर्ड द ब्लेमिशेस. सो मैंने कम्प्लीट हॉल भी करा है तो मैं डेफिनेटली जल्दी लगाऊंगी ग्लैमरस फेस का. अभी मैंने थोड़ी सी कुछ प्रोडक्ट्स निकलवाई थी ग्लैमरस फेस की. इनकी TV पेन स्टिक्स गाइज बहुत अच्छी हैं और इसकी प्राइस आपको 450 तक की आराम से मिल जाएगी. एंड इफ़ यू आर गुड इन बार्गेनिंग देन यू कैन गेट इट फॉर 420 ऑल्सो. सो इसमें तमाम शेड्स हैं, लाइक ओरिएंटल भी शेड है, न्यूड्स भी शेड है इसमें, पिंकिश टोन के, येलो टोन के, पूरी इसकी बुकलेट अवेलेबल है और उसमें तमाम चीज़ें आपकी लिखी हुई हैं, आप मैच करके देख सकते हैं जो भी आपके शेड से मैच करे. और ये ऑयल फ्री हैं, दोज गर्ल्स हु हैव ऑयली स्किन, दिस इज़ द ग्रेट एंड बेस्ट फॉर यू. और इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, तमाम चीज़ें इसकी बहुत अच्छी हैं और ये एक अच्छी बेस है फॉर समर. एंड इट्स टोटली लाइट वेट फाउंडेशन विच इज़ एक्चुअली गुड फॉर
यू नो टू गेट आउट एंड यू नो वेयर इन समर्स। और अब ये है इसका 3D मस्कारा जो भी आप बोलें। सो जो है ये भी बहुत अच्छा है। इसका वैंड अलग से जो है वो ओपन हो जाता है जैसे आप देख रहे हैं। और इसकी भी मैं प्राइस आपको बताती चलूँ तो ये 450 तक की है, 400 to 450 तक की है। और ये मैंने ओपन करके इनसे बोला कि अंकल मुझे ओपन करके दिखाएं, तो उन्होंने ओपन करके दिखाया। इस तरीके से इसका वैंड आप इसमें लगा सकते हैं, बाद में कैप इसका अलग से है। और इनका एक और भी मस्कारा है विच इज़ थ्री डी नहीं है ये, वैसे लॉन्ग लास्टिंग मस्कारा है और इससे भी आई लैशेज बहुत अच्छी हो जाती हैं। और ये तमाम दोनों मस्काराज आर वाटर प्रूफ, सो डू नॉट वरी टू गेट आउट इन समर्स ताकि आपकी मेकअप ना बह जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद माई फेवरेट लाइक दीज क्रियोनिक लिपस्टिक्स, मैंने इस पर पूरी वीडियो बनाई हुई, आप चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन अभी मैं ग्लैमरस फेस पे एम्फेसाइज कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ग्लैमरस फेस की तमाम प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। और ये काजल पेंसिल भी मैंने फ़ौरन ले ली थी और इनकी तमाम पेंसिल्स बहुत अच्छी हैं, आई पेंसिल्स भी बहुत अच्छी हैं, लिप लाइनर्स भी बहुत अच्छे हैं। और ये लिप लाइनर्स काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और मैंने MN के लिप लाइनर्स लिए थे, उससे अच्छे ये लिप लाइनर्स हैं, इनकी स्टेइंग पावर और बहुत स्मूथली ग्लाइड हो जाते हैं। अब जो है इनकी शॉप में कंसीलर्स भी हैं काफ़ी सारे, ब्रॉन्जर्स भी हैं। आप देख सकते हैं अगर आप एक अच्छी मेकअप शॉप पे चले जाएंगे या आपकी जो पुरानी होगी जहाँ पे आपको पता होगा कि ये रिलायबल शॉप है, तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी इन अफोर्डेबल रेंज। तो यहाँ पे ऑयल कंट्रोल, ये कॉम्पैक्ट पाउडर भी है, ये मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ, भी बहुत अच्छा है। और ये इन्होंने एक रोमांटिक बट की आई शेडो शिमरी मार्बल पैलेट है, इसके स्वाचेस भी बहुत अच्छे थे। अच्छा मसला ये था आई कांट एबल टू स्वाच क्योंकि मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ी हुई थी, दूसरे हाथ से मैं स्वाच कर नहीं पा रही थी। अब अगर आप बताइएगा अगर आपको नेक्स्ट कुछ वीडियो में कुछ समझ में आए तो मैं कम्प्लीटली अलग से जाके एक हॉल कर सकती हूँ। सो या अब यहाँ पे जो है ये ग्लैमरस फेस का 6 शेड्स हैं इस कॉम्पैक्ट पाउडर में और ये इसका रीफिल आता है, मतलब अगर आपका ख़त्म हो जाए तो आप इसको रीफिल भी कर सकते हो, बहुत इजीली रीफिल कर सकते हो। अच्छा दिस वन इज़ द इल्यूमिनेटर जो फाउंडेशन में मिक्स करके लगाते हैं, मैंने अपनी वीडियो में एक दिखाया था आपको, वो मैंने यहीं से ही लिया था। और ये बहुत प्यारा सा लाइलिक शेड है, ये अभी तो शेड लग रहा है पिंक लेकिन ये फाउंडेशन मिलकर बहुत अच्छा एक चीकी आपके चीक्स पर बड़ा ज़बरदस्त ग्लो देता है। अब जो है यहाँ पे हमारे पास अब जो अंकल निकालने लगे हैं वो दिस इज़ लूज पाउडर बाय ग्लैमरस फेस। और वैसे लूज़ पाउडर्स एस्पर्जन और वगैरह दूसरे लूज़ पाउडर्स हुदा ब्यूटी ये बहुत महंगे होते हैं, लेकिन ये लूज़ पाउडर बहुत ही जो है वो अच्छा था। ये आप देखें मैंने इसका स्वॉच भी किया है, और स्वॉच तो नहीं कह सकते, मैंने इसको थोड़ा सा डस्ट ऑफ किया अपने हैंड पे और बड़ा अच्छा लगा मुझे क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है, तो दोज़ हुए ऑयली प्रोन स्किन जिनकी बहुत ज़्यादा एक्नी प्रोन स्किन है, ऑयली स्किन है, सो यू जस्ट गो विथ पाउडर फॉर बेकिंग योर फेस, इसीलिए मुझे ये नीड थी तो मैंने ये फ़ौरन से ले लिया। और अब आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें हैं इनके पास। ये पैलेट भी मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी थी, तो मैंने अंकल से कहा कि अंकल लेट मी शो दिस पैलेट, मुझे मेकअप की क्रेविंग होती है, जैसे लोगों को खाने की क्रेविंग होती है मुझे मेकअप की क्रेविंग होती है। आई वांट ऑल गुड मेकअप इन माय वैनिटी, चाहे मैं लगाऊं ना लगाऊं, बट आई वांट तसल्ली होनी चाहिए। खैर ये बहुत अच्छी पैलेट थी, नियर फ्यूचर आई विल, पैसे ही ख़त्म हो गए थे इतने ज़्यादा तो मैंने बहुत सारी चीज़ें वैसे ही शॉप कर ली थी, उसका भी मैं हॉल करके दिखाऊँगी आपको। एंड लुक एट द स्वॉचेस, बहुत 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 प्यारी, ये इसमें न्यू, इसमें शिमरी और फॉइल शेड्स हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इनकी पूरी की पूरी पिगमेंटेशन वगैरह बहुत अच्छी है एंड पैकेजिंग। और यहाँ पे जैकलिन हिन पैलेट के भी ड्यूब्स हैं यार, यहाँ पे तमाम चीज़ों के आपको ड्यूब्स मिल जाएंगे जो आप ऑनलाइन जगह पे, ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे, जिस पे इतने पैसे खर्च कर रहे होते हो, तकरीबन आपको 500 का डिफरेंस आराम आराम से नज़र आएगा। और मुझे बताएं मुझे ये पैलेट लेनी चाहिए या नहीं, डू लेट मी नो, अगर लेनी चाहिए तो आप लोगों के कहने से आई शुड क्रिएट अ लुक, तो मैं डेफिनेटली ले लूँगी। ये मैक का ड्यूप है आई शेडो पैलेट का, और इसकी पैकेजिंग माय गॉड आई एम जस्ट ड्रॉलिंग ओवर इट। ओके सो अब हम जस्ट ऐसे ही रोमिंग अराउंड करते हैं। और एक ये नया इनका आया था किल्ट के, पूरी फेशियल रेंज थी, दे हैव देयर फेस वॉश, दे हैव देयर स्क्रब एंड एवरीथिंग, तो इसको भी मुझे ट्राई करना है बट अभी मैंने नहीं किया। डर्माकॉस का मैंने ले लिया था। अच्छा ब्रशेस पे आ जाते हैं, ये लोकल क्वालिटी के थोड़े ब्रशेज़ हैं,
तो ब्रशेस में मुझे इतना समझ में नहीं आया, क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल या बिगिनर्स के लिए भी ब्रशेस आप देख के लें, कुछ ऑथेंटिक पेज हैं या वो हैं वहाँ से लें, अदरवाइज़ मुझे तमाम चीज़ें अच्छी लगी थी एक्सेप्ट फ्यू ब्रशेस के। यहाँ पे कुछ ब्रशेस अच्छे थे जो मैंने सेट निकलवाया था, लेकिन जो अभी अभी आपने देखा ना, ये थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया था। अच्छा, ये जो है ये कैराटी बड़ा अच्छा एक ब्रांड है, लोकली ये PRC का। तो ये पूरी इसका प्राइमर है और उसकी तमाम चीज़ें हैं इसमें, इसका फिक्सिंग स्प्रे और इसकी फाउंडेशन है। तो इसकी बहुत अच्छी पैकेजिंग के साथ एक कंप्लीट इसका पैक मौजूद था। एंड दिस इज़ द किस ब्यूटी मेकअप सेटिंग स्प्रे विच इज़ रियली वेरी ग्रेट। आई हैव बिन यूजिंग दिस किस ब्यूटी सेटिंग स्प्रे लेटली। और ये आ गया है हैंग फेंग के डायमंड ग्लिटर आई शेडोज़, दे हैव कम विद देयर न्यू डिज़ाइंस। पहले ये दूसरी फॉर्म में आते थे, अभी पूरे आई शेडोज़ की फॉर्म में आ गए हैं विच आर अमेजिंग, बहुत प्यारे हैं। इसके भी मैंने दो शेड्स उठा लिए थे वहाँ से, और आप देख सकते हैं कि इनमें तमाम कलर्स मौजूद हैं, गोल्डन, न्यूड, ब्राउन, थोड़े से लाइलिक शेड्स के भी हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त इनका शेड है और ये देखने में भी बड़े प्यारे लगते हैं। सो मैं आपको डेफिनेटली इसका करके दिखाऊंगी, इसके स्वाच वगैरह नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, ये जो हैं ये ग्लिटरी पेंसिल्स हैं और इनके साथ इनका शार्पनर भी है, तो ये भी बड़ी अच्छी पेंसिल्स हैं, आप इसे एज आई लाइनर लगा सकते हैं। एंड दिस इज़ लाइक अमेजिंग प्रोडक्ट एवर, दिस इज़ 3D हैंडमेड आई लैशेज़। मैं अपनी काफ़ी सारी वीडियोज़ में आई हैव बिन यूजिंग दिस, एंड दिस इज़ NG, एंड दे आर कमिंग विद, ओह क्या हो गया मुझे, दे आर कमिंग विद डिफरेंट कोड्स। सो ये भी बड़े ज़बरदस्त है, आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही, इसकी ये प्राइस बहुत रीजनेबल है, आराम से आपको ये 200 की ईच पड़ जाएंगी अगर आप थोड़ी बार्गेनिंग में अच्छे आ गए हैं। आई एम टेलिंग यू, तो आपको 180 170 तक की मिल जाएंगी। और ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं, ये लगने में बहुत नेचुरल लुक देती हैं। वैसे अगर आप किसी पेज से मंगवाएं फेसबुक इंस्टाग्राम के, दे कॉस्ट यू फॉर 750 और 800। और यहाँ पे थोड़ा सा एक नज़र डाल लेते हैं तमाम शैम्पूज़ वगैरह, ये छोटी छोटी किट्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, लाइक थोड़े कम टाइम के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। गार्नियर वगैरह की फेशियल किट्स भी मौजूद हैं और कॉन्टोरिंग एंड ब्रॉन्जिंग भी है। अब यहाँ पे आ जाते हैं गोगो गर्ल का, ये हाईलाइटर है डूडू गर्ल का, सॉरी। सो ये जो है, मेरा कैमरा अपसाइड डाउन हो गया था, एनीवेज़, जो ये डूडू गर्ल का हाइलाइटर है, ये भी बहुत अच्छा हाइलाइटर है और ये भी 450 तक का आपको मिल जाएगा। और ये लूज़ हाइलाइटर्स हैं, सो आई मे बी ऑप्ट फॉर दिस वन बिकॉज ये इजी होते हैं, आराम से यूज़ कर सकते हैं। लूज़ में थोड़ा टाइम लगता है, अगर आपके पास इतना, इफ़ यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, लेकिन यू कैन गो फॉर इट। अदरवाइज़ मुझे कॉम्पैक्ट ज़्यादा पसंद है। उसके बाद ये किल्ट एक ब्रांड है विच इज़ न्यू, और ये इसका न्यू ब्रांड की सारी फेशियल रेंज आई है। सो आई हैव नॉट बीन ट्राइंग दिस आउट, मे बी अगर मैं आगे जाके ट्राई करूं, लेकिन अभी मेरे पास काफ़ी डर्मा कॉस की फेशियल रेंज हो गई थी, लेकिन देखने में काफ़ी ज़बरदस्त है। एंड दिस इज़ माय वेरी प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट सईद गनी की। अच्छा, ये कुछ सामान है जो मैंने वहाँ से परचेज़ किया था। दिस इज़ मेकअप स्टूडियो 39 कलर्स मैट एंड शिमरी आई शेडो, दिस इज़ बाई डूडू गर्ल, बहुत पिगमेंटेड आई शेडोज थे। उसके बाद ये मिस रोज़ की हाईलाइटर पैलेट है विच यू कैन एक्चुअली सी इन नियर फ्यूचर इन माई वीडियोज़, और ये भी बहुत अच्छी थी। इसका मैं अभी खोल नहीं रही मैं, क्योंकि आपको दिखाऊँगी। ये द ब्यूटी की न्यूड पैलेट है, उसका ड्यूप है ऑब्वियसली, और ये अंजीर की लैशेज हैं। तो ये कुछ चीज़ें मैंने वहाँ से ली थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूँ। इनको मैं अपनी वीडियोज़ में ज़रूर यूज़ करूँगी, और डेफिनेटली आई विल रिकमेंड दीज प्रोडक्ट्स फॉर यू, दे रिलायबल प्रोडक्ट्स, और इनकी पैकेजिंग, इनकी पिगमेंटेशन बहुत ज़बरदस्त है। आई हैव बिन यूजिंग दिस, और ये मैंने आई पेंसिल्स दी थी, वाइट आई पेंसिल्स भी ली थी, ब्लैक भी ली थी, और ये मैंने ग्लैमरस फेस की TV पेन स्टिक ली थी। और अच्छा, अब आ जाते हैं आई ब्रशेज़ पे। आई ब्रशेज़ आपको काफ़ी टेक्निक से देख के लेने होंगे, क्योंकि आई ब्रशेज़ में आप देखा करें कि ब्रश फ्लफ़ी है या नहीं है। ये वाले नेकेट का सेट था, और इसके मुझे ब्रशेज थोड़े से सिंथेटिक लगे, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप प्रोफेशनल हैं तो गो फॉर अ वैरायटी ऑफ रेंज फॉर आई शेडो ब्रशेज। तो इसमें थोड़े कम ब्रशेज़ थे, वैसे इसके ब्रशेज़ अच्छे थे, सॉफ्ट ब्रिसल था और डेली वेयर में आराम से यूज़ हो सकते थे। ये जो है आपको आराम से 350 तक की ये पूरे ब्रशेज मिल जाएंगे। और उसके बाद दिस इज़ माय फेवरेट कॉन्टोर पैलेट, आई डिड नॉट बाय इट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मनी, मेरे पास पैसा ख़त्म हो गए थे, लेकिन डेफिनेटली मेरी नज़रें हैं इस पर, अगर ये बची रहती है तो मैं देखूँगी। ये मैक्स
गर्ल की बड़ी ज़बरदस्त, और इसके इतनी स्मूद ग्लाइड होता है, और ये तमाम कॉन्टोरिंग ब्रॉन्जिंग हाइलाइटिंग शेड्स हैं इसमें। सो या व्हाट इज़ लेफ्ट, तो मतलब सामान यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त था, और ये मैंने आपको ब्रॉन्जिंग का उसका स्वाच दिखाया, पहले पैलेट आती है उसके बाद स्वाच आता है कि कौन करे। अच्छा जी, तो ये जो है इस शॉप पे वैरायटी का सामान मौजूद था, इसका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, इन अंकल का नंबर वगैरह इफ़ दे डू सेल ऑनलाइन, या आप इनकी शॉप पे भी आ सकते हैं, मैं आपको एड्रेस वगैरह लिख दूँगी। और जो जो चीज़ें मैंने ली थी वो मैं एक जगह कर रही हूँ, बाकी आप एक नज़र देख सकते हैं क्या क्या सामान वगैरह है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि लोकल मेकअप शॉप पे किस किस तरीके की चीज़ें होती हैं, या आप जिस शॉप पे जाने लगे हैं तो वहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। रेवलॉन के कलर्स भी यहाँ पे ओरिजिनल थे और बहुत ज़बरदस्त होते हैं। बाकी ये ज़रा खोल के दिखा सकते हैं, वाला लिवॉन हो गए, पॉन्ड्स के वो हो गए, मुश्किल। और ये हुदा ब्यूटी की जो है वो पूरा सेट था, ओबियसली इट्स ट्यूब, और ये ब्रश का सेट था, ये बहुत ही अच्छा सेट था, अगर किसी को लेना है आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस। इसमें तमाम टाइप के ब्रशेस थे, आई ब्रशेस से लेके तमाम फेस ब्रशेस, स्क्रबिंग ब्रॉन्जिंग ब्रश, और इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी थी, और इसके ब्रिसल्स भी बहुत सॉफ्ट थे, और बहुत अच्छे से आप जैसे देख रहे हैं, ये मैंने इनसे ब्लेंडिंग ब्रश वगैरह निकलवाया है, आई शेडो ब्रश, फ्लैट ब्रश, पेंसिल ब्रश, तमाम ब्रशेज इसमें ईजी अवेलेबल थे। अच्छा, दिस इज़ वाइटामिन सी कैप्सूल फॉर वाइटनिंग, और ये बड़ी अच्छी होती है, आप इसे एज ए सीरम जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो इस कैप्सूल टैबलेट को कर सकते हैं, और ये 15 rupees ईच है, और ये वाइटामिन ई कैप्सूल्स हैं जो कि विच इज़ वेरी गुड फॉर योर हेयर्स, और स्किन के लिए भी ऑब्वियसली अच्छे ही होते हैं। सो ये मैंने थोड़े से लिए थे, आई हैव टू ट्राई इट आउट, देन मैं इसका रिजल्ट आपको बताऊँगी कैसा लगा। सो दोज हु डू नॉट अफोर्ड दैट मच हाई एंड प्रोडक्ट्स लाइक ऑर्डिनरी और उसका वाइटामिन सी, तो आप ये थोड़े थोड़े भी ले सकते हैं, वो फेशियल में ना थोड़ा सा ऑब्वियसली अमाउंट लगा सकते हैं। अच्छा, ये बॉर्नवीटा का टोनर था, ये भी मैंने परचेज कर लिया था, बड़ा ज़बरदस्त टोनर था, और आर्टमेटिक की लैशेज भी हैं, बिगनर्स आर्टमेटिक की लैशेज दे सकते हैं, लेकिन मुझे एनजी ज़्यादा पसंद आई, और सो दैट्स वाई आई गो फॉर एनजीर। और तमाम आपके पास यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर्स हैं, इट्यूड का भी है, टाइम कम था, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें नहीं निकलवाई, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं और आपको वीडियो पसंद आई है कि मैं और चीज़ें निकलवाऊँ, तो मुझे डू लेट मी नो क्या क्या चीज़ें निकलवा के स्वाचेस करवा के दिखाने चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा। और वॉट लेफ्ट, आई थिंक सभी हो गया है, लिपस्टिक्स भी यहाँ पे बहुत सारी हैं, बहुत सारी, और यहाँ पे वो भी रखी हुई है, फाउंडेशंस भी रखी हुई हैं, फाउंडेशंस में ब्राइडल बेस भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, और जो फॉर्मूला क्रीम्स होती हैं आर्ची वगैरह की वो भी मिल जाएगी, बट आई डो नॉट रिकमेंड बिकॉज आई नेवर एवर यूज़ दिस, क्योंकि काफ़ी केमिकल्स होते हैं। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। फिर अंकल ने मुझे चाय भी पूछी, लेकिन मैंने कहा नहीं अंकल, मैं चाय पी कर आई हूँ, सो दैट्स वाई थैंक यू सो मच। अब अंकल ने कहा इतनी अच्छी नाम ने उन्होंने शॉपिंग कर ली है। Every single day, I'm gone, man.